समझी ये लीजिए। आप भी लीजिए ना समझी जी। नहीं जी थैंक यू, मैं मिठाई नहीं खाता। इसे चक्कर तो देखिए, ये मैंने दुकान से नहीं मंगवाई है बल्कि आप लोगों के लिए खास मैंने अपने हाथों से बनाई है। रेनू भी बता रही थी आप बहुत अच्छी मिठाई बनाती हैं। वैसे घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है कब सब लोग? अनुपम और अभिषेक तो ऑफिस गए हैं, और जैनी को तो आप लोग जानते ही हैं, उसका घर में होना ना होना बस एक जैसा है। आप हंस क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, आपकी इस बात तो नहीं हंस रहा हूं मैं, बल्कि कोई पुरानी बात सोचकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। देखिए वक्त वक्त की बात होती है, एक समय वो भी था जब ऐसी कोई बात आप हम लोगों को लेकर भी सोचती होंगी, और वो इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं थे तब, और एक समय आज का है जब हम दोनों के परिवार आपस में इतनी अच्छी तरह घुल मिल गए, इतने नजदीक आ गए। वो इसलिए कि हम दोनों के परिवार के संस्कार और विचार एक दूसरे से बहुत मिलते हैं। लेकिन जैनी पता नहीं कैसे खानदान से आई है। नहीं नहीं आप गलत सोच रही हैं, शायद आप अभी उसे अच्छी तरह से जानते नहीं हैं इसलिए। नहीं मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लोगों को पहचानने में मुझसे गलती हो ही नहीं सकती। अब देखिए ना, एक तरफ जैनी है और एक तरफ आपकी बेटी रेनू। पता है जब से रेनू को पता चला है कि सारिका मायके से वापस लौट आई है, उसने बस एक ही कोशिश कर रही है कि किसी तरह उसे मनाकर वापस इस घर में ले आए। सच कहती आपने मुझे बहू नहीं बेटी दी है। थैंक यू। इसी बात पर तो क्या डिसीजन लिया तुमने अभिषेक? क्रिश मैं तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार। वाह यार दैट्स ग्रेट, इसका मतलब आज से हम बिजनेस पार्टनर हुए? एब्सोल्युटली। देखना अभिषेक, हम लोग इस बिजनेस को उन ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जिसके बारे में लोग सिर्फ सपना देखते हैं, लेकिन हम इस सपने को हकीकत बनाएंगे। हे, किस सोच में पड़ गए तुम? कुछ नहीं, एक्चुअली क्रिश मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें दोस्त बनाकर मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया, तुम्हें अपना दोस्त मानकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। अभिषेक तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, तो तुम वो सब करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा? करूंगा। तो आज मैं तुम्हें बिजनेस की कुछ नई ट्रिक्स बताऊंगा। आई मीन बाय दीस ट्रिक्स यू कैन अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी। पर ये नए बिजनेस ट्रिक्स हैं क्या? तुम शेयर्स में पैसा लगा दो। व्हाट? यार वैसे भी शेयर्स की नॉलेज तो मेरी जीरो है, और शेयर में पैसा लगाना मैं जुए के समान समझता हूं। कम ऑन अभिषेक, आई मीन दिस इज लाइक अ बिजनेस। देखो शेयर मार्केट हर बिजनेस का एक अहम हिस्सा है, वी कैन नॉट इग्नोर इट। आई मीन इफ वी हैव टू एक्सपैंड वी कैन नॉट इग्नोर द शेयर मार्केट। देखो मैं एक कंपनी को जानता हूं, सुभद्रा इंफोटेक, आई विल शो यू। ये देखो अभिषेक, तुम इस कंपनी के 100 शेयर खरीदो एंड आई प्रॉमिस यू यू विल अर्न लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉफिट। क्रिश प्लीज यार, मैं ये शेयर्स वेयर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। कम ऑन अभिषेक, तुम प्लीज यार, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी? क्रिश प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आई ओके, तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना? ओके तुम्हारे बिहाफ पे मैं पैसे लगा देता हूं। क्रिश क्या कर रहे हो तुम? वन मोमेंट प्लीज। हेलो मिस्टर भाटिया। या क्रिश हियर। मिस्टर भाटिया आप सुभद्रा इन्फोटेक के 100 शेयर्स खरीद लीजिए अभिषेक शुक्ला के अकाउंट पे। ऑफ कोर्स पैसे मेरे अकाउंट से जाएंगे। या प्लीज थैंक यू। क्रिश तुमने ये क्या किया? अब देखना अपने इस दोस्त का कमाल। नाउ यू विल अर्न लॉट्स ऑफ मनी। और देखो अब इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। ओके नहीं एक्चुअली मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। यही तो मुसीबत है, हर बात समझाने में मेरा वक्त जाया होता है, इसलिए फिर लिखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। क्या लिखने के लिए? अरे आपको पता नहीं, मुझे लगा अब तक खबर पहुंच चुकी होगी। कैसी खबर? यही कि हम पूर्वी के लिए सीरियल बना रहे हैं। जी इसमें इतनी चौंकने की क्या बात है? ऐसी वैसी मामूली सीरियल नहीं, मेगा सीरियल। हम छोटे पर्दे पे इतिहास लिखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा ऐतिहासिक सीरियल बना रहे हैं हम, मतलब वो घोड़े हाथी वगैरह। वेरी गुड वेरी गुड। किशोर प्लीज। नहीं नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आजकल ऐतिहासिक सीरियलों की भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है अपनी। क्यों मैसेज रहा? नहीं ऐतिहासिक सीरियल नहीं बना रही हूँ, फिलहाल तो सोशल बना रही हूँ। You know, daily soap, daily. कहानी भी तैयार है। हाँ
एक सीन बताऊं आपको? जरा सोचिए, सुनसान रास्ता है, बिल्कुल सुनसान रास्ता, बारिश हो रही है, बड़ी बड़ी बूंदे चपक टपक चपक टपक, पानी की आवाज नहीं, लड़की के पैरों की आवाज, बारिश हो रही है ना, पानी में चल रही है, इसलिए चपक टपक चपक टपक, अकेली सुंदर लड़की पूरी तरह से भीग गई है, फिर भी चलती जा रही है, चलती जा रही है, सुनसान अंधेरा, कड़कती बिजली, साइन साइन, बिजली की आवाज नहीं, लड़की के मन में तूफान उठा है, बाहर तूफान अंदर तूफान, लड़की एक घर की तरफ पहुंचती है, दरवाजा बंद है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा नहीं खुलता, जोर जोर से खटखटाती है, फिर भी नहीं खुलता, इस बार खुलता है, इस बार खुलता है, दरवाजे पे कौन खड़ा है, कौन? उस बेचारे लड़की की बेचारी माँ, माँ को देखते ही लड़की रो पड़ती है, माँ माँ, माँ कहती है क्या हुआ बेटी, तेरे बदन पे पानी, तेरी आंखों में पानी, क्या हुआ बेटी? बारिश हुई थी ना, लड़की भी यही कहती है, माँ बारिश से मेरा बदन भीग गया, लेकिन बदकिस्मती से मेरी आंखों में पानी आ गया। वंडरफुल मम्मा वंडरफुल, लड़की कहती है मैं ससुराल से आ गई हूँ माँ, तुम लोगों ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से कर दी जो दिमाग से अपाहिज है माँ। वेरी गुड आइडिया, फैंटास्टिक, यू गॉट इट, यू गॉट इट, एक ऐसी लड़की से शादी होती है जो दिमाग से अपाहिज है। फैंटास्टिक आइडिया मिसेस रॉय, लिखिए लिखिए आप आगे लिखिए, बहुत बढ़िया आइडिया। एक एक और कहानी सुनाओ। सात लड़कियां और एक अकेला बाप, बड़ी लड़की की शादी एक ऐसे लड़के से होती है जो लड़का उस लड़की की बहन से प्यार करता है। क्यों, इस पे भी कोई सीरियल बन रही है क्या? अमानत, देखा मेरी ये भी आइडिया किसने चुरा ली? पूर्वी, मैंने किसी को नहीं बताया मम्मा। यार शायद तुम बहुत ज्यादा टीवी देखती हो आजकल, इतना टीवी देखना भी ठीक नहीं है। मिसेज रॉय आप मायूस मत होइए, और सोचिए और लिखिए, कुछ धांसू लिखिए, मतलब ये अपने फिल्म वाले जो कहते हैं ना जरा हटके, वैसा कुछ। सोचना तो पड़ेगा, मगर क्या है यहाँ मुझे लिखने के लिए शांति नहीं मिलती, इसीलिए मैं नैनीताल जा रही हूँ, वहाँ समुंदर की लहरें देखूंगी और लिखती जाऊंगी। नैनीताल में समुंदर? तालाब तालाब का पानी देखूंगी और समुंदर की लहरों की तरह लिखूंगी, लेकिन क्या है मेरे वहाँ जाने के बाद फिर प्रॉब्लम होगी, यहाँ का फ्रंट कौन संभालेगा? दरअसल मैं इसी सिलसिले में आई हूँ आपके पास, क्या है हम लोगों के बीच जो अनबन हुई, आपने मुझे बहुत कुछ कहा, मैंने आपको थोड़ा बहुत सुनाया, वो सब भूल जाते हैं, क्यों? हाँ क्यों नहीं, कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? क्या है आप बहुत बड़े इवेंट मैनेजर हैं, बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, तो मेरी इस छोटी सीरियल को बनाने में आप कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, इसमें पूछने की क्या बात है। थैंक यू थैंक यू, देखा पूर्वी मैंने कहा था ना ये अंकल कभी कभी अच्छे हैं। जी मामा, कभी कभी नहीं फिर हमेशा। तो फिर मैं वहाँ आराम से लिखूंगी और आप यहाँ सब संभाल लेंगे? जी जरूर। अच्छा हमारे जो
प्रोडक्शन डिजाइनर कम मैनेजर है मिस्टर नागनाथ, इस सिलसिले में आपको मिलेंगे। मिस्टर नागनाथ, ओके ओके, आई थिंक आई नो हिम। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। देखा पूर्वी, अब तो तुम्हारी करियर बिल्कुल यूं निकल पड़ेगी। जी मामा। जब से नागनाथ ने तुम्हारी तारीफ की है, तुम आईने के सामने कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारने लगी हो। मेरे ख्याल से मेरे इस कमरे में आने से पहले कोई काफी देर तक यहाँ खड़ा था। आया तो था मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए। क्यों? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, है ना? खूबसूरती तो देखने वाले की नजरों में होती है मैडम। लो, तुम तो डायलॉग मारने लग गए। किशोर, तुम कहीं एक्टिंग के बारे में सीरियसली तो नहीं सोच रहे हो ना? वेल, आई मीन, अब देखा जाए तो एग्जैक्टली तो नहीं, पर फिर भी या हाँ कहो या फिर ना कहो। हाँ हाँ। इसमें हंसी की क्या बात है? अरे मैं क्या किसी से देखने में कम हूं? अरे आई एम सीरियस। अरे इतना हंस क्यों रही हो तुम? तुम एक्टर बनोगे? ओह माय गॉड, क्या हुआ? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और क्यों? कभी कोई डायलॉग भी बोला है? अच्छा ये बात है, तो लो सुनो संयोगिता, तुम पृथ्वीराज से आंखें मिलाने से कतरा क्यों रही हो? क्या तुम्हें डर है कि यह धरती फट जाएगी? क्या तुम्हें डर है कि आकाश के सारे तारे उतर के नीचे आ जाएंगे? क्या तुम्हें डर है कि... मुझे डर है कि लोग टीवी पर पत्थर मारेंगे। मारेंगे तो मारने दो, हम तो एक्टर बनेंगे। ओके अभिषेक, ये रहे 20,000 रुपए। ये क्या है? चौंक गए ना दोस्त, ये शेयर मार्केट का बिजनेस होता ही ऐसा है। याद है मैंने कल तुमसे क्या कहा था? ये है तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट। क्रिश, मैंने थोड़ी रुपए लगाए थे। दोस्त, सिर्फ पैसे लगाना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, अपना नाम अपना क्रेडिट लगाना भी इन्वेस्टमेंट होता है। अब मानता हूं कि पैसे मैंने लगाए थे, लेकिन नाम और क्रेडिट तुम्हारा इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हारे। जब तुमने पैसे लगाए हैं तो फिर मैंने कैसे? ओके, ये मेरे इन्वेस्टमेंट के 10,000 मैं रख लेता हूं। अब तो तुम खुश? नहीं खुश, मैं ये रुपए नहीं रख। नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, अब ये पैसे तुम्हें रखने पड़ेंगे। क्रिश, मैं इन पैसों का करूंगा क्या? हाँ यार, इसके लिए तो सोचना पड़ेगा। ऐसा करो, तुम इन पैसों से भाभी के लिए गिफ्ट खरीद लो। ऐसा करो, तुम भाभी के लिए टेडी बियर खरीद लो। व्हाट? टेडी बियर? तुम मजाक कर रहे हो क्या? नहीं अभिषेक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो, although I might not be married like you, लेकिन औरतों की साइकोलॉजी के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूँ। अब तुम यही सोच रहे होगे कि एक मैरिड वुमन को टेडी बियर की क्या जरूरत है। तो सच पूछो दोस्त, हर औरत अंदर से बहुत इनसिक्योर होती है, और खासकर तब जब उसका हस्बैंड उससे दूर। अगर एक टेडी बियर उसके पास होगा तो बहुत ही सिक्योर महसूस करेगी। भाई तुम तो औरतों के बारे में बहुत कुछ जानते हो, और जब इतना जानते हो और बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो फिर दोस्त की बात मान लेनी चाहिए। किशोर, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हो। शूटिंग वाले कितनी जोरदार तालियां बजा रहे थे तुम्हारे लिए, और वो नागनाथ जी तो बहुत ही खुश थे तुम पर। किशोर, तुमसे बात कर रही हूं मैं, कहां खो गए हो तुम? मैं यहाँ तुम्हारी एक्टिंग की तारीफ कर रही हूँ और तुम हो कि बस। अरे एक्टिंग कैसी शैला,
मुझे तो वहां रेणु दिखाई पड़ गई थी, इसलिए मैं। किशोर पता नहीं अचानक कभी कभी तुम्हें क्या हो जाता है। गिल्ट शैला, पता नहीं ये गिल्ट मुझे कहां ले जाएगा। मैं तो हमेशा इस गिल्ट के बोझ से दबा रहता हूं। शैला कहीं हमारी रेणु को। तुम बेकार की बहुत सोचते हो किशोर, हमारी रेणु के साथ ऐसा वैसा कुछ बुरा नहीं होगा। मैं भी तो यही चाहता हूँ कि हमारी रेणु के साथ कुछ ना, कुछ भी बुरा ना हो, लेकिन डरता हूँ कि कहीं उसके हंसते परिवार को किसी की नजर न लग जाए। नहीं किशोर, अभिषेक और उसके परिवार वाले बहुत ही समझदार हैं। देखा नहीं हमारी रेणु को उसकी सास ने कैसे महारानी बनाकर रखा है। सचमुच बहुत चाहते हैं वो लोग उसे। मैं भी यही सोच रहा था कि जिस तरह से शुक्ला परिवार को हमारी रेणु ने एक सूत्र में बांध कर रखा है, उस पर तो मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि क्या ये वही रेणु है जो कभी चाय के कप को हाथ तक नहीं लगाती थी, और आज वही रेणु सारे घर के काम में सबसे आगे आ गए। आखिर बेटी किसकी है? किसकी है, दोनों की है। हाय रेणु। हाय रेणु, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया। अच्छा क्या है? खुद खोल कर देख लो। वाओ, इट्स लवली अभिषेक। लेकिन किस खुशी में? बस है खुशी की बात। ऐसा समझ लो कि मेरा जो नया बिजनेस पार्टनर है ना, वो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ। रेणु, मैंने आज तक शेयर्स में कभी पैसा नहीं लगाया, लेकिन जब उसके कहने पर लगाया तब मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ। रियली? हाँ, और इसी खुशी की वजह से मैं तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लेकर आया हूँ। हाँ दिखा ना, क्या है? दिखा रहा हूँ टेडी बेयर। ओह क्यूट, थैंक यू। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे टेडी बेयर पसंद है? क्या मैं अपनी बीवी को इतना भी नहीं जानता? शायद नहीं जानता था, लेकिन मेरे दोस्त ने बताया कि हर लड़की को टेडी बेयर बहुत पसंद होता है, वो इसके साथ बहुत सिक्योर फील करती है। तो फिर मैंने सोचा कि अपनी रेणु के लिए मैं ये गिफ्ट लेकर जरूर जाऊंगा। तो तुम्हारा ये दोस्त है कौन? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्रिश है।